हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहे की सब्जी की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसके जितने गुण बताएं उतने ही कम होते हैं। ये सैकड़ों बीमारियों को दूर करने वाली रेसिपी है, तो एक बार इस तरह आप सब्जी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया। तो पहले आपको दिखाते हुए पोहे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। पोहे के पत्ते ये थोड़े से मोटे होते हैं और इसको हमने सबसे पहले साफ पानी से अच्छे से हमें धो लेना है। इसकी मिट्टी अच्छे से निकाल देना है, उसके बाद ही आपको कट करना, पहले नहीं कट करना है। अगर पहले कट करके धोगे तो इसके सारे विटामिन्स निकल जाएंगे। तो मैंने अच्छे से साफ पानी से धो के इसको बारीक कट कर लिया है। ये देखिए, कट करके मैंने नहीं दिखाया क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इस तरह हमें कट कर लेना है। इसके साथ हमने एक प्याज कट कर लिया है, एक टमाटर कट किया है, दो हरी मिर्च और ये तीन मैंने मीडियम साइज़ के आलू कट कर लिए हैं, पाँच छः लहसुन की कलियाँ ली हैं। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ऑयल लिया है, ऑयल एक बड़ा चम्मच के करीब हमने लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये साबुत जीरा। जीरे का थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए, जीरे का कलर चेंज हो गया तो इसमें हम ये प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल देंगे। एक साथ हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है, लेकिन अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो एक तो समय की बचत होगी, बहुत ही जल्दी आप सुबह भी बच्चों को लंच बॉक्स में अब अपने लंच के लिए भी बना सकते हो। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनने वाली है, साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। अगर इस तरीके से बनाओगे तो बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो थोड़ा इसको हमें प्याज टमाटर को फ्राई करने के बाद हमें इसमें आलू डाल देना है। 50% हमें फ्राई करना है, उसके बाद हमें आलू डाल देना है। तो आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे, साथ में आलू को भी हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं चला देती हूँ और साथ में हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है आलू को, उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है एक छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो, मसाला अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। और ये इसमें नमक डाल दिया आधा छोटा चम्मच, भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को यहाँ हमें मीडियम लो फ्लेम रखना है क्योंकि हमने सूखा मसाला इसमें डाला है, तो मसाले का कलर चेंज हो जाएगा, जल जाएगा, तो इसकी सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे दरदरा, या मैंने लहसुन की कलियाँ दिखाई थी उसको हमने दरदरा कूट लिया है, ये इसमें डाल दिया है। लहसुन भी डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। थोड़ा सा हमें आलू को पका लेना है क्योंकि पोहे बनते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पहले हम आलू को अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए, 50% हमने आलू को पका लिया है। अभी हम इसमें जो पोहे कट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार अगर आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे भी कमेंट में बताना कि पोहे की सब्जी आप कैसे बनाते हो, मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी आपके तरीके से। तो अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और गैस को हमें हाई फ्लेम कर देंगे। और इसको इसमें पानी नहीं डालना है, इसके पत्तों का ही पानी हो जाएगा। पत्तों से ये अच्छे से ये आलू और ये पोहे पक जाएगी, हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। तो इसमें 3-4 मिनट लगता है बनने में, तो इसको बाद में दिखाती हूँ। बनने के बाद में इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको हमने 4 मिनट अच्छे से पका लिया है, ये पोहे हमारी बन के रेडी हो गई है। पोहे की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इसमें मैं अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको आप चावल दाल के साथ खा सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, सफर में लेके जा सकते हो, ऐसे भी लंच में शामिल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते थे, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चपाती, पराठा, पूरी, नान किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।